जीतिया का व्रत अर्थात जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी छठ के महापर्व की तरह 3 दिन तक किया जाता है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलता है। सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल छठ की तरह ही होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करके भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को खुर जीतिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जीतिया के पारण के नियम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। व्रत के पारण के बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए जानते हैं जीतिया व्रत की एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना अति आवश्यक लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फल स्वरूप उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं जीवित पुत्री का व्रत की दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमूतवाहन था। वह बहुत उदार और परोपकारी थे। बहुत कम आयु में ही उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उनका मन सत्ता के कार्यभार में नहीं लगता था। ऐसे में वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में उनका विवाह मल्यावती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब जिमूतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा को विलाप का कारण पूछा। इस पर वृद्ध स्त्री ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार
आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है। अगर मेरे इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जिमूतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा कि वह स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेट जाएंगे। जब पक्षी राज गरुड़ वहां पहुंच गए तो वे लाल कपड़े में ढके हुए जिमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी राज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिसे अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है उसकी आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार गरुड़ जी ने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर जिमूतवाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों के बारे में बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर काफी प्रसन्न हुए और जिमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जिमूतवाहन की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं जीतिया व्रत की तीसरी कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनवाटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा मलय केतु थे। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोखर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जीतिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने जीतिया का व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जिमूतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर ही किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहां मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल भी गरजने लगे। वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबाटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के साथ बेटे हुए। पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के सातों पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलवती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जिमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलवती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। और दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमूतवाहन की कृपा से
शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय भगवान जीवितवाहन जी की। जीतिया का व्रत अर्थात जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी छठ के महापर्व की तरह 3 दिन तक किया जाता है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलता है। सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल छठ की तरह ही होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करके भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को खुरजीतिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जीतिया के पारण के नियम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। व्रत के पारण के बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए जानते हैं जीतिया व्रत की एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना अति आवश्यक लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं जीवित पुत्री का व्रत की दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वह बहुत उदार और परोपकारी थे। बहुत कम आयु में ही उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उनका मन सत्ता के कार्यभार में नहीं लगता था।
ऐसे में वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में उनका विवाह मल्यावती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब जिमूतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा को विलाप का कारण पूछा। इस पर वृद्ध स्त्री ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है। अगर मेरे इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जिमूतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा कि वह स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेट जाएंगे। जब पक्षी राज गरुड़ वहां पहुंच गए तो वे लाल कपड़े में ढके हुए जिमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी राज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिसे अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है उसकी आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार गरुड़ जी ने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर जिमूतवाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों के बारे में बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर काफी प्रसन्न हुए और जिमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जिमूतवाहन की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं जीतिया व्रत की तीसरी कथा। नर्मदा नदी के पास कंचन बाटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा मलय केतु थे। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोखर था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जीतिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने जीतिया का व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जिमूतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर ही किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहां मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल भी गरजने लगे। वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबाटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के साथ बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के सातों पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलवती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें सात नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जिमूतवाहन ने मिट्टी से सातों भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया।
जिससे सभी में जान आ गई और शीलवती के सातों पुत्र जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। और दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धि से इनके घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जी उत्वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय भगवान जी उत्वाहन जी की। जीतिया का व्रत अर्थात जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी छठ के महापर्व की तरह 3 दिन तक किया जाता है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलता है। सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल छठ की तरह ही होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करके भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को खुरजीतिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जीतिया के पारण के नियम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। व्रत के पारण के बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए जानते हैं जीतिया व्रत की एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना अति आवश्यक लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया।
यह बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वह बहुत उदार और परोपकारी थे। बहुत कम आयु में ही उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उनका मन सत्ता के कार्यभार में नहीं लगता था। ऐसे में वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में उनका विवाह मल्यावती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब जीमूतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा को विलाप का कारण पूछा। इस पर वृद्ध स्त्री ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है। अगर मेरे इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीमूतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा कि वह स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेट जाएंगे। जब पक्षी राज गरुड़ वहां पहुंच गए तो वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी राज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिसे अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है उसकी आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार गरुड़ जी ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर जीमूतवाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों के बारे में बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर काफी प्रसन्न हुए और जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं जीतिया व्रत की तीसरी कथा। नर्मदा नदी के पास कंचन बाटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा मलय केतु थे। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोखर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जीतिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने जीतिया का व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर ही किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहां मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल भी गरजने लगे। वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपुरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपुरावती कंचनबाटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के साथ बेटे हुए।
पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के सातों पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलवती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें सात नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से सातों भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलवती के सातों पुत्र जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए और दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धि से इनके घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय भगवान जीवतवाहन जी की। जीतिया का व्रत अर्थात जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी छठ के महापर्व की तरह 3 दिन तक किया जाता है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलता है। सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल छठ की तरह ही होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करके भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को खुरजीतिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जीतिया के पारण के नियम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। व्रत के पारण के बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए जानते हैं जीतिया व्रत की एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडवों के पांचों पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनके पांचों पुत्रों की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने
अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना अति आवश्यक लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं जीवित पुत्री का व्रत की दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वह बहुत उदार और परोपकारी थे। बहुत कम आयु में ही उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उनका मन सत्ता के कार्यभार में नहीं लगता था। ऐसे में वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में उनका विवाह मल्यावती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब जीमूतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा को विलाप का कारण पूछा। इस पर वृद्ध स्त्री ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है। अगर मेरे इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीमूतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा कि वह स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेट जाएंगे। जब पक्षी राज गरुड़ वहां पहुंच गए तो वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी राज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिसे अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है उसकी आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार गरुड़ जी ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर जीमूतवाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों के बारे में बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर काफी प्रसन्न हुए और जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं जीतिया व्रत की तीसरी कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनवाटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा मलय केतु थे। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोखर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जीतिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने जीतिया का व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर ही किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहां मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल भी गरजने लगे। वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया।
पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबाटी नगर की रानी बन गई। भगवान ज्योतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के साथ बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के सातों पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलवती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान ज्योतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलवती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। और दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्योतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय भगवान ज्योतवाहन जी की। जीतिया का व्रत अर्थात जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी छठ के महापर्व की तरह 3 दिन तक किया जाता है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलता है। सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल छठ की तरह ही होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करके भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को खुरजीतिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जीतिया के पारण के नियम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। व्रत के पारण के बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए जानते हैं जीतिया व्रत की एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया।
यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडवों के पांचों पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनके पांचों पुत्रों की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना अति आवश्यक लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फल स्वरूप उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं जीवित पुत्री का व्रत की दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वह बहुत उदार और परोपकारी थे। बहुत कम आयु में ही उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उनका मन सत्ता के कार्यभार में नहीं लगता था। ऐसे में वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में उनका विवाह मल्यावती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब जीमूतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा को विलाप का कारण पूछा। इस पर वृद्ध स्त्री ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है। अगर मेरे इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीमूतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा कि वह स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। जब पक्षी राज गरुड़ वहां पहुंच गए तो वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी राज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिसे अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है उसकी आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार गरुड़ जी ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर जीमूतवाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों के बारे में बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर काफी प्रसन्न हुए और जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं जीतिया व्रत की तीसरी कथा। नर्मदा नदी के पास कंचन बाटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा मलय केतु थे। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोखर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जीतिया व्रत करते हुए देखा।
तब उन्होंने जीतिया का व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान ज्योतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर ही किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहां मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल भी गरजने लगे। वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबाटी नगर की रानी बन गई। भगवान ज्योतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के साथ बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के सातों पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलवती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान ज्योतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलवती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए और दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्योतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय भगवान ज्योतवाहन जी की। जीतिया का व्रत अर्थात जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी छठ के महापर्व की तरह 3 दिन तक किया जाता है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलता है। सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल छठ की तरह ही होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं।